आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार और उत्तराखंड के दो धार्मिक शहर हरिद्वार और बोधगया के कुछ खूबसूरत स्थानों के बारे में बात करेंगे। वैसे ये दोनों शहर अपने आप में धर्म के तमाम भावनाओं को अपने अंदर समेटे खड़े हैं। इन दोनों शहरों का अपना अलग महत्व है, ना कोई शहर छोटा है और ना कोई बड़ा, क्योंकि धार्मिक स्थानों में छोटा या बड़ा ढूंढना अपनी छोटी सोच की पहचान है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल अनोखा पोस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर और हिंदू समाज का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। प्राचीन नगरी हरिद्वार हिंदू समाज के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हरिद्वार का अर्थ हरि यानी ईश्वर का द्वार है। वहीं बिहार का गया शहर बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर और बुद्ध नगरी के नाम से मशहूर ये शहर बौद्ध तीर्थ स्थल है। पितृपक्ष के अवसर पर यहाँ पिंडदान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ का दृश्य देख मन प्रसन्न हो जाता है। ये वही शहर है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे गौतम बुद्ध का ज्ञान क्षेत्र मानते हैं, तो वहीं हिंदू धर्म में इस नगर को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं। हरिद्वार के लिए एक मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिसमें उज्जैन, नासिक, प्रयाग और हरिद्वार है। इन 4 स्थान पर बारी बारी से हर 12वें साल महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां करोड़ों तीर्थयात्री और पर्यटक यहां इस समारोह में हिस्सा लेने आते हैं। वहीं हरिद्वार के सबसे पवित्र घाटों में से हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार ये वही स्थान है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं। वहीं महाबोधि मंदिर बोधगया का प्रसिद्ध विहार है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। अब इन शहरों में दर्शनीय स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। हरिद्वार में चंडी देवी का मंदिर, माता चंडी देवी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचत सिंह द्वारा बनवाया गया था। माता चंडी देवी के भव्य मंदिर के अतिरिक्त यहां दूसरी ओर संतोषी माता का मंदिर भी है, साथ ही एक और हनुमान जी की माता अंजना देवी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा दर्शनीय है। मोरों को टहलते हुए निकट से सहज रूप में देखा जा सकता है। वहीं मनसा देवी मंदिर हर की पौड़ी से प्रायः पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणी के एक पर्वत शिखर पर मनसा देवी का मंदिर स्थित है। मनसा देवी का शाब्दिक अर्थ है वह देवी जो मन की इच्छा से पूर्ण करती हैं। मुख्य मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं, पहले 3 मुखों व 5 भुजाओं के साथ, जबकि दूसरी 8 भुजाओं के साथ। गंगा की धारा तथा नील पर्वत के पास वाली गंगा की मुख्य धारा यानी नील धारा और हरिद्वार नगरी के एकत्र दर्शन अपना अनोखा ही प्रभाव दर्शकों के मन पर छोड़ते हैं। सुबह यहाँ की पैदल यात्रा करके लौटने पर गंगा में स्नान कर लिया जाए तो थकावट का स्मरण भी न रहेगा और मन की प्रफुल्लता के क्या कहने। वहीं माया देवी मंदिर हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी का संभवतः 11वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर एक सिद्धपीठ माना जाता है। इसे देवी सती की नाभि और हृदय के गिरने का स्थान भी कहा जाता है। यह उन कुछ प्राचीन मंदिरों में से एक है जो अब भी नारायणी शिला व भैरव मंदिर के साथ खड़े हैं। वहीं वैष्णो देवी मंदिर हर की पौड़ी से करीब 1 किलोमीटर दूर भीमगोड़ा तक पैदल या ऑटो रिक्शा से जाकर वहां से ऑटो द्वारा वैष्णो देवी मंदिर तक सुगमतापूर्वक जाया जा सकता है। यहां वैष्णो देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। जम्मू के प्रसिद्ध वैष्णो देवी की अत्यधिक प्रसिद्धि के कारण इस मंदिर में वैष्णो देवी की गुफा की अनुकृति का प्रयत्न किया गया है। इस भव्य मंदिर में बाईं ओर से प्रवेश होता है, पवित्र गुफा को प्राकृतिक रूप देने की चेष्टा की गई है। हालांकि गुफा का रास्ता तय करने में कोई कठिनाई नहीं होती, हाँ अकेले नहीं जाकर 2-3 आदमी के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि बाईं ओर से बढ़ते हुए घुमावदार गुफा का लंबा मार्ग तय करके माता वैष्णो देवी की प्रतिमा तक पहुंचा जाता है।
वहीं तीन पिंडियों के दर्शन भी होते हैं। यह मंदिर भी काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। वहां भारत माता की मंदिर है, जो कि वैष्णो देवी मंदिर से कुछ ही आगे भारत माता का मंदिर है। इस बहुमंजिले मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के द्वारा किया हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका लोकार्पण हुआ था। अपने ढंग का निराला यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसके विभिन्न मंजिलों पर सूर मंदिर, मातृ मंदिर, संत मंदिर, शक्ति मंदिर तथा भारत दर्शन के रूप में मूर्तियों तथा चित्रों के माध्यम से भारत की बहुआयामी छवियों को रूपायित किया गया है। सप्तपर्षि आश्रम या सप्त सरोवर, भारत माता मंदिर से ऑटो द्वारा जाकर आसानी से सप्तर्षि आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। यहां जाने पर सड़क की दाहिनी ओर सप्त धाराओं में बड़ी गंगा की निराली प्राकृतिक छवि दर्शनीय है। कहा जाता है यहां सप्तर्षियों ने तपस्या की थी और उनके तप में बाधा न पहुंचाने के ख्याल से गंगा सात धाराओं में बटकर उनके आगे से बह गई थी। गंगा की छोटी छोटी प्राकृतिक धारा की शोभा बाढ़ में पहाड़ से टूटकर आए पत्थरों के असंख्य टुकड़ों के रूप में स्वभावतः दर्शनीय है। हरिद्वार की उपनगरी कहलाने वाला कनखल हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। यहाँ विस्तृत आबादी एवं बाजार है। आबादी वाले तीर्थस्थलों में हरिद्वार का सबसे प्राचीन तीर्थ कनखल ही है। विभिन्न पुराणों में इसका नाम स्पष्ट उल्लिखित है। गंगा की मुख्य धारा से हर की पैड़ी में लाई गई धारा कनखल में पुनः मुख्य धारा में मिल जाती है। महाभारत के साथ साथ अनेक पुराणों में भी कनखल में गंगा विशेष पुण्यदायिनी मानी गई है, इसलिए यहाँ गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कनखल में श्री हरिहर मंदिर के निकट ही दक्षिण पश्चिम में पारद शिवलिंग का मंदिर है। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी दयाल सिंह ने 8 मार्च 1986 को किया था। यहाँ पारद से निर्मित 151 किलो का पारद शिवलिंग है। मंदिर के प्रांगण में रुद्राक्ष का एक विशाल पेड़ है, जिस पर रुद्राक्ष के अनेक फल लगे रहते हैं, जिसे देखकर पर्यटक आश्चर्यचकित और प्रफुल्लता का अनुभव करते हैं। वहीं देवभूमि हरिद्वार के कनखल स्थित नक्षत्र वाटिका के पास हरित ऋषि विजयपाल बघेल के द्वारा कल्प वृक्ष वन लगाया गया है। वैसे तो देवलोक के पेड़ कल्पतरु यानी पारिजात को सभी तीर्थस्थलों पर रोपित किया जा रहा है, लेकिन धरती पर कल्प वृक्ष वन के रूप में एकमात्र यही वन विकसित है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु कल्प वृक्ष के दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं हम आपको गया के पर्यटन स्थलों के बारे में बता देते हैं। वैसे गया के बारे में आप सबको पता होगा, बट फिर भी उनके बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। गया में ग्रेट बुद्धा स्टैचू, चाइनीज मंदिर, विष्णुपद मंदिर, सूर्यकुंड, बोधि ट्री, मंगला गौरी मंदिर, फल्गु नदी घाट, तिब्बतन मॉनेस्ट्री, बराबर हिल्स, रॉयल भूटान मॉनेस्ट्री, थाई मॉनेस्ट्री, इंडोसन निप्पॉन जैपनीज मंदिर, अक्षय बाट, बराबर गुफा, ब्रह्मयोनी मंदिर, मुंचलिंडा झील। गया में घूमने के लायक बहुत ही जबरदस्त जगह है ये। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।